क्वेश्चन 27 देखिए। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी सो दैट द फॉलोइंग फंक्शन इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। ये सभी वैल्यूज पर डिफरेंशिएबल है। अब हमें फंक्शन यहां पर दे रखा है, दैट इज एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड बी एक्स स्क्वेयर -3 व्हेन एक्स इज लेस देन इक्वल टू -1। हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है जब ये जो फंक्शन है हमारा वो डिफरेंशिएबल है। अब ये हम जानते हैं कि जब कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है किसी पॉइंट पर तो वो उस पर कंटिन्यूअस भी होता है। वो कहने की जरूरत नहीं है, अगर वो डिफरेंशिएबल है तो डेफिनेटली वो आपका उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस भी है, क्योंकि कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों की डेफिनेशंस जब हम यूज कर लेंगे तब ए और बी की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो पहले हम कंटिन्यूटी वाली कंडीशन यूज कर लेते हैं। हम ये जानते हैं कि जब एल एच एल आर एच एल और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू इक्वल है तभी फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। अगर वो कंटिन्यूअस है तो ये तीनों इक्वल होंगे। रिवर्स में हम यूज कर रहे हैं तो एट एक्स इज इक्वल टू -1 एल एच एल निकाल रहे हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू -1 माइनस। अब एल एच एल के लिए फंक्शन वो होगा जहां पर एक्स लेस देन -1 है, यानी बी एक्स स्क्वेयर -3। पुट करते हैं एक्स को, पुट एक्स इज इक्वल टू -1 माइनस एच एज एच टेंड्स टू 0। तो यहां पे आ गया लिमिट एच टेंड्स टू 0 बी इंटू -1 माइनस एच का स्क्वेयर -3। एच की वैल्यू 0 रख दीजिए तो यहां 0 हो गया, -1 का स्क्वेयर इज 1, ये आ गया बी -3। आर एच एल निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू -1 पॉजिटिव। आर एच एल के लिए फंक्शन है ए एक्स प्लस बी, यहां पे हम पुट कर देंगे आपका -1 एक्स को -1 प्लस एच एज एच टेंड्स टू 0। तो यहां पे लिमिट एच टेंड्स टू 0 ए इंटू -1 प्लस एच प्लस बी, तो यहां पे एच की वैल्यू 0 रख देंगे तो -a प्लस बी। और हम एफ ऑफ -1 की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स इज इक्वल टू -1 यहां पर पुट कर देंगे, -1 का स्क्वेयर -3, यानी ये बी -3। अब क्योंकि हमें ये पता है सिंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स दैट मींस एट एक्स इज इक्वल टू -1 आल्सो, तो इनके एल एच एल आर एच एल और एफ -1 इक्वल होंगे। सिंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू -1 सो एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू एफ -1, यानी यहां से आया बी -3 इज इक्वल टू -a प्लस बी और यहां पे बी -3। इन दो को या इन दो को कंपेयर कर लो वही बात है, तो बी -3 इज इक्वल टू -a प्लस बी, तो यहां बी से बी कैंसिल हो गया तो यहां पे आया -a इज इक्वल टू -3, यानी ए की जो वैल्यू है वो तो हमारे पास यहाँ पे 3 आ गई। यहां पर लिखते हैं हम -a इज इक्वल टू -3, ए इज इक्वल टू 3, ए की वैल्यू हमें मिल गई। अब बी की वैल्यू निकालने के लिए हम डिफरेंशिएबिलिटी वाली कंडीशन यूज करेंगे। एट एक्स इज इक्वल टू -1 हम एल एच डी आर एच डी निकालते हैं, वहां से हमें बी की वैल्यू मिलेगी। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें, हम इसको यहां से इरेज करने वाले हैं। नाउ एट एक्स इज इक्वल टू -1 हम इसकी डिफरेंसिएबिलिटी चेक करेंगे। एक्स इज इक्वल टू -1 पर एल एच डी चेक नहीं करेंगे, -1 पर डिफरेंसिएबल दे रखा है तो एल एच डी और आर एच डी इक्वल होंगे, वहां से हम बी की वैल्यू निकाल देंगे। तो हम एल एच डी निकालते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू -1 माइनस, फॉर्मूला क्या होगा, एफ एक्स माइनस एफ ए यानी -1 और x माइनस ए यानी x माइनस ऑफ -1। अब एल एच डी के लिए फंक्शन क्या होगा जहां पर x लेस देन -1 है, यानी कि बी एक्स स्क्वेयर -3।
हमें एफ माइनस वन भी चाहिए, तो बी इंटू माइनस वन का स्क्वायर माइनस थ्री, यानी बी माइनस थ्री हमारे पास आ गया। तो यहां पर हम पुट कर देंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस वन माइनस एफ एक्स है हमारे पास बी एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, माइनस एफ माइनस वन है हमारे पास बी माइनस थ्री अपॉन एक्स प्लस वन। लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस वन माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस थ्री माइनस बी प्लस थ्री अपॉन एक्स प्लस वन, ये इससे कैंसिल हो गया, यहां से हम बी कॉमन ले लेंगे। लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस वन माइनस बी कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, वन का स्क्वायर लिख लें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, x tends to minus 1 minus b into x plus 1 into x minus 1 upon x plus 1, ये कैंसिल हो गया। पुट करिए x को minus 1 minus h as h tends to 0, लिमिट h tends to 0 b यहां पे आ गया minus 1 minus h minus 1, h को 0 रख देंगे तो यहां पे आ गया minus का 2b। नाउ आर एच डी निकालते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस वन प्लस एफ एक्स, एफ एक्स होगा ए एक्स प्लस बी माइनस एफ माइनस वन, तो यहां माइनस वन रख देंगे, माइनस का ए प्लस का बी अपॉन एक्स माइनस ऑफ माइनस वन। यहां पे लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस वन प्लस ए एक्स प्लस बी प्लस का ए माइनस का बी अपॉन एक्स प्लस वन, ए कॉमन ले लेंगे यहां से, लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस वन प्लस यहां पे आ गया ए कॉमन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन, कैंसिल हो गया तो यहां पे आ गया हमारा ए। अब क्योंकि ये फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन डिफरेंसिएबल है, सो हम लिखेंगे एफ एक्स इज डिफरेंसिएबल, एट x इज इक्वल टू माइनस वन सो एल एच डी इज इक्वल टू आर एच डी, तो यहां पे a इज इक्वल टू माइनस टू बी, ए की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं दैट इज थ्री, तो यहां पे रख देंगे थ्री इज इक्वल टू माइनस टू बी, विच इंप्लाइज यहां पे b आ गया आपका माइनस का थ्री बाई टू, तो a हमारे पास यहां पे थ्री आ रहा है और b आ रहा है माइनस का थ्री बाई टू। अगर हम केवल डिफरेंसिएबिलिटी वाली कंडीशन यूज करेंगे तो हम वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि ये कंडीशन आ जाएगी। तो मैंने तो इसे पहले ही सॉल्व करके देख लिया, आप चाहो तो पहले डिफरेंसिएबिलिटी वाली सॉल्व कर लो, यहां से ए बी की वैल्यू नहीं मिलेगी, फिर आपको कंटिन्यूटी पे जाना पड़ेगा, तो पहले कंटिन्यूटी कर लो पहले डिफरेंसिएबिलिटी कर लो, बात वही है, वैल्यू आपको तभी मिलेगी जब आप कंटिन्यूटी वाला पार्ट सॉल्व कर लेंगे। जनरली तो ऐसा होता है कि ए बी में इक्वेशन यहां बनती है और ए बी में इक्वेशन यहां बनती है, बट यहां थोड़ा सिंपलर पार्ट था इस क्वेश्चन में तो ए की वैल्यू हमें डायरेक्ट मिल गई और फिर वहां पुट करते ही बी की मिल गई, वरना एक और पार्ट रह जाता है ए बी की एक इक्वेशन यहां ए बी की एक इक्वेशन वहां और फिर दोनों को सॉल्व करके हम ए और बी की वैल्यू यहां पर निकालते हैं।